हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मितेश आसनानी है। आज मैं आपके साथ सोरियासिस के बारे में थोड़ा ज्ञान शेयर करना चाहूँगा। पहले तो ये बताएंगे कि सोरियासिस होता क्या है। इसको एक ऑटोइम्यून रोग बोला गया है मॉडर्न साइंस में, और होम्योपैथी में इनको कहा जाता है साइकोसोमेटिक ओरिजिन। साइकोसोमेटिक ओरिजिन मतलब सामान्य भाषा में कहूँ तो माइंड स्ट्रेस में आता है और वो बॉडी पे कहीं पे रिएक्ट करता है। किसी की स्किन वीक होती है तो स्किन पे रिफ्लेक्ट करता है, उसको कहा जाता है साइकोसोमेटिक डिजीज। अब सोरियासिस में होता क्या है? नॉर्मल व्यक्ति की स्किन 25 से 28 दिन में नहीं आती है। सोरियासिस पेशेंट की स्किन रोज नहीं आती है, इसकी वजह से खोपड़ियाँ निकलती हैं। पेशेंट की कंप्लेन यही रहती है कि सर खुजली बहुत आती है, कभी कभी जलन होती है और उसके साथ खोपड़ी निकलती है। यस, कभी कभी पेशेंट को खून भी आता है। इसके वजह से हमको निदान मिलता है कि भाई पेशेंट को सोरियासिस है। बहुत ही पिक्यूलियर होता है उनका जो स्किन निकलती है, वो उसको हम बोलते हैं सिल्वर स्केली स्किन, मतलब सिल्वर कलर की होती है और पपड़ी उखड़ती है, तो उस पर से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं पेशेंट को सोरियासिस नामक बीमारी है। अब सोरियासिस के प्रकार, ये थोड़ा आई कैन से के समझने के लिए ज़रूरी, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। सोरियासिस के 6-7 प्रकार है, उसमें पहला जो मेन जो कॉमन प्रकार है वो है प्लाक सोरियासिस। प्लाक मतलब पपड़ी उखड़ना, उसको प्लाक सोरियासिस। दूसरा जो टाइप आता है वो गट्टेड सोरियासिस, मतलब गोल जगह बन जाती है और वहाँ से पपड़ी उखड़ती है, उसको हम गट्टेड सोरियासिस बोलते हैं, गोल प्रकार का होता है। तीसरा जो प्रकार है वो एरिथमेटस सोरियासिस, उसमें चमड़ी लाल हो जाती है और उसमें खुजली आना और पपड़ी निकलना भी होता है। चौथा जो प्रकार है इनवर्स सोरियासिस, मतलब पर्टिकुलरली जहाँ पे फोल्ड्स हैं, बगल की चमड़ी हो गई या पैर की चमड़ी हो गई, जहाँ पे आई कैन से फोल्ड्स आते हैं, जॉइंट्स के फोल्ड्स आते हैं, वहाँ पे होता है तो उसको इनवर्स सोरियासिस कहा जाता है। चौथा जो प्रकार है वो है पस्टुलर सोरियासिस। इसमें सोरियासिस तो होता है मगर इसमें पस भी बनता है, तो इसकी वजह से पस्टुलर सोरियासिस। छठा जो प्रकार है वो है नील सोरियासिस, नाखून में होता है तो हम उसको बोलते हैं नील सोरियासिस। और सबसे आई कैन से डिफ़िकल्ट जो सोरियासिस है वो है सोरियाटिक आर्थराइटिस, मतलब सोरियासिस तो होता ही है मगर उसके साथ साथ पेशेंट को आर्थराइटिस, मतलब जोड़ों का भी पेन होता है, तो उसको हम बोलते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस। तो दोस्तों ये थे सोरियासिस के प्रकार। अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम ट्रिगर फैक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट। ट्रिगर फैक्टर मतलब किसी को सोरियासिस है मगर कौन सी चीज़ से वो बढ़ता है, उसको बताने के लिए उसको बोलते हैं ट्रिगर फैक्टर। तो ट्रिगर फैक्टर में फर्स्ट ट्रिगर फैक्टर जो आता है वो है एनवायरनमेंट। बस वातावरण उसमें ज़्यादा असर करता है, तो वातावरण पर्टिकुलरली आई कैन से ठंडी में किसी को पड़ता है, किसी को बारिश में पड़ता है, तो किसी को वो गर्मी में पड़ता है। दूसरा जो ट्रिगर फैक्टर आता है वो है आई कैन से फूड। कोई फूड ऐसा है, पेशेंट पर्टिकुलर फूड के लिए एलर्जी है तो वो फूड खाने से पड़ता है, तो पेशेंट को केयर करनी होती है। यस, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें आई कैन से प्रिजर्वेटिव ज़्यादा होते हैं, तो वो बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। थर्ड ट्रिगर फैक्टर जो है वो है स्ट्रेस। yes. मैंने देखा है कि पेशेंट को स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो सोरियासिस बढ़ता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया होम्योपैथी में ये रोग को साइकोसोमेटिक हो रही थी, जिसमें माइंड डिस्टर्ब होता है, बॉडी पे रिफ्लेक्ट होता है। अब ये हो गया प्रकार और उसके ट्रिगर फैक्टर। अब जो आते हैं वो हम आते हैं समाधान में। यस, समाधान में पहली चीज़ तो ये है कि भाई स्ट्रेस लेवल कम करना है।
अब स्ट्रेस लेवल कम नहीं हो पा रहा है तो आप इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए, मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति बॉडी की बढ़ाइए। उसमें आप 5 चीज़ें कीजिए, पहला प्राणायाम कीजिए, दूसरा पानी उबाल कर पीजिए, तीसरा खाने के पहले फ्रूट्स एंड सलाड खाइए, चौथी चीज़ एक्सरसाइज या वॉकिंग कीजिए, और 5वीं चीज़ मेडिटेशन। ये सब करेंगे तो आपको होम्योपैथी में जल्दी परिणाम मिल सकते। अब होम्योपैथिक दवाई, यस दोस्तों, मेरे को हर एक पेशेंट ये कहते हैं कि सर आप दवाई बता दो। तो दवाई होम्योपैथी में बंधारण आधारित स्वभाव और बॉडी के रिफ्लेक्शन आधारित सिलेक्ट होती है। 10 पेशेंट को सोरियासिस है, 10-10 की दवाई अलग आ सकती है। क्यों? कि किसी को हुआ है सोरियासिस स्ट्रेस की वजह से, और किसी को हुआ है वही चीज़ खराब या बहुत फास्ट फूड या खाने की वजह से, और वही तीसरे पेशेंट को हुआ है एनवायरमेंटल फैक्टर में वातावरण आधारित। तो हमको कारण पकड़ना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को सोरियासिस क्यों हो रहा है। एक बार अच्छे से कारण मिल जाता है तो सही से दवाई होती है, तो होम्योपैथी में बहुत अच्छे परिणाम हमने पाए हैं। तो दोस्तों, ये था नॉलेज अबाउट सोरियासिस। सोरियासिस होम्योपैथी से ठीक होता है, यस। पेशेंट को केयर करनी पड़ती है, डॉक्टर को एक्यूरेट रहना पड़ता है, और आई कैन से लाइफस्टाइल थोड़ी मॉडिफाई करनी पड़ती है। ये 3 चीज़ साथ में आती हैं, डॉक्टर का नॉलेज, पेशेंट की लाइफस्टाइल और पेशेंट की केयर, मेंटेनिंग पॉजिटिव हो करना, केयर में मैं कहता हूँ। ये 3 होगा तो रिजल्ट सोरियासिस में बहुत अच्छे पाए हैं हम। तो आप हमको कंसल्ट कर सकते हो, नीचे दिए गए नंबर पे आप हमको ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हो, या क्लिनिक में अपॉइंटमेंट लेके अपना शेड्यूल फिक्स करवा सकते हो। थैंक यू।